अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना है कि पाकिस्तान में जारी एक्सचेंज प्रोग्राम दुनिया के बड़े प्रोग्राम्स में से आता है। अमरीकी ताबुन से फेयर हॉल गार्डन में शजरकारी मुहिम जारी है। अलमनाई तकरीब का हवाल बता रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। लेकिन अलमनाई एक्सचेंज नेटवर्क के तहत कराची के निजी होटल में तकरीब मुनक्कद हुई। तलबा व तलबात और अमरीकी कौंसल जनरल ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ अदवार में US एक्सचेंज प्रोग्राम से इस्तफादा हासिल करने वाले तलबात का कहना था कि एक्सचेंज प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि किस तरीके से नौजवान नस्ल अपने मुल्क की खिदमत अंजाम कर सके। पाकिस्तान यूएस अलमनाई जो कि हमें फंडिंग देता है, बेसिकली इसके जरिए हम प्रोजेक्ट्स को रन करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसका एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है पाकिस्तानी आवाम के साथ। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि पाकिस्तान में जारी एक्सचेंज प्रोग्राम दुनिया के बड़े प्रोग्रामों में से एक है, इसे मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ फेरियर हॉल गार्डन में भी शजरकारी मुहिम जारी है। We want to work with them. They do projects. They are change makers in their communities throughout the province, and we support them as best we can. They have done some incredibly good projects. This team and this group really does a lot of incredible work for the US-Pakistan relationship. करीब में तुलबा ने मैजिक शो के साथ गुलुकारी के जौहर भी दिखाए। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज़ कराची।